तो दोस्तों, इस कहानी के शुरुआत में एक पुलिस दल एक क्राइम सीन की तहकीकात के लिए एक दूर दराज के फार्म हाउस में पहुंचती है, जहां उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज पॉलीथीन में लिपटी हुई यहां वहां पड़ी मिलती हैं। घर के अंदर घुसने पर बहुत जोरों से एक पादरी के प्रवचन की वीडियो चल रही होती है, और छानबीन के दौरान जब ये पुलिस वाले घर के बेसमेंट में पहुंचते हैं, ये दोनों ऑफिसर्स पूरी तरह से चौंक पड़ते हैं। इस घटना से ठीक 24 घंटे पहले एडल्ट फिल्म द फार्मर डॉटर्स के मेंबर्स इस फिल्म को शूट करने के लिए टेक्सास के एक छोटे से गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। इस एडल्ट फिल्म के मेंबर्स होते हैं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस मैक्सीन, फिल्म के प्रोड्यूसर वेन, मैक्सीन इनकी फियांसे भी होती हैं, आरजे जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर और कैमरामैन होते हैं। इनकी मदद के लिए इनकी गर्लफ्रेंड लोरैन भी इनके साथ आई होती है। इनके अलावा इस फिल्म में बॉबी भी एक और एक्ट्रेस होती हैं, और जैक्सन इस फिल्म के इकलौते मेल एक्टर होते हैं जो पहले पेशे से एक मरीन सोल्जर थे। ये सभी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि वही फार्म हाउस होता है जहां कहानी की शुरुआत में पुलिस वाले पहुंचे थे। वेन इस फार्म हाउस के मालिक से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि हॉवर्ड नाम का एक बूढ़ा आदमी होता है। अपने घर के बाहर एक अजनबी को खड़ा देख हॉवर्ड अपनी गन निकाल लेते हैं। बाहर खड़े वेन थोड़ा डरते हुए उन्हें याद दिलाते हैं कि हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, जिसमें आपके गेस्ट हाउस को मैंने किराए पर लिया था। हॉवर्ड को याद आ जाता है। वेन हॉवर्ड को बताते हैं कि मैं भी अपनी गाड़ी में वैसे गन रखता हूँ। हॉवर्ड सभी को गेस्ट हाउस की तरफ ले जाते हैं, जो कि इनके मुख्य घर से थोड़ा दूर होता है। मैक्सीन सबसे पीछे गाड़ी से उतर रही होती हैं कि जब उन्हें हॉवर्ड के मुख्य घर की खिड़की पर एक बूढ़ी औरत उन्हें अजीब ढंग से घूरती हुई दिखती है। ये हॉवर्ड की पत्नी पॉल होती हैं। इसके बाद हॉवर्ड इन सभी को गेस्ट हाउस में ले आते हैं और वेन को कहते हैं कि मुझे तुमने ये नहीं बताया था कि इतने सारे लोगों के लिए तुम ये गेस्ट हाउस किराए पर ले रहे हो। तभी हॉवर्ड अचानक मैक्सीन को घूरने लगते हैं। वेन कहते हैं, सर लगता है आपने बहुत समय से कोई सुंदर लड़की नहीं देखी। और कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा लोग हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लो। जाते जाते हॉवर्ड सभी को कहते हैं कि मुझे तुम लोग कुछ खास पसंद नहीं आए हो। ध्यान रहे, मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर रहता हूँ। मुझे तुम में से कोई भी मेरे घर के आसपास नहीं दिखना चाहिए। हॉवर्ड के जाने के बाद वेन दरवाज़ा बंद करते हुए कहते हैं कि इस बूढ़े की बात पर ध्यान मत दो, हम जो काम करने आए हैं चलो वो काम शुरू करें। और कुछ समय बाद बॉबी और जैक्सन के एक सेक्स सीन को आरजे फिल्माने लगते हैं। इस दौरान मैक्सीन फार्म हाउस के पास मौजूद झील में नहाने के लिए चली जाती हैं। झील के किनारे खड़े होकर जब वो कपड़े खोलने लगती हैं, पीछे जंगल में पर्ल उन्हें बहुत ही अजीब ढंग से देख रही होती हैं। मैक्सीन कुछ देर झील में नहाती हैं, और जैसे ही किनारे की तरफ वापस आने लगती हैं, एक मगरमच्छ उनका पीछा करने लगता है। किस्मत से सही वक्त पर वो किनारे पहुंच जाती हैं। उधर गेस्ट हाउस में फिल्म की शूटिंग अभी भी चल रही होती है। मैक्सीन गेस्ट हाउस पहुंचती हैं जब उन्हें हॉवर्ड के घर के बाहर पर्ल खड़ी हुई दिखती हैं, जो उन्हें अपने पास बुलाती हैं। मैक्सीन हॉवर्ड के घर के अंदर घुसती हैं, वहां पे कोई नहीं होता। मैक्सीन उस बूढ़ी औरत को बुलाती हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। मैक्सीन पर्ल को ढूंढने लगती हैं और देखती हैं कि घर पर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा होता है, कि तभी अचानक मैक्सीन के पीछे पर्ल आ जाती हैं, जो उनके लिए नींबू पानी लेकर खड़ी होती हैं। नींबू पानी पीने के बाद पर्ल मैक्सीन को अपनी शादी की पुरानी तस्वीर दिखाते हुए कहती हैं कि हॉवर्ड के विश्व युद्ध में जाने के बाद मुझे अकेले काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मैं पेशे से एक डांसर थी, और इस लड़ाई के कारण मुझे बहुत बुरे काम भी करने पड़े। मैक्सीन पर्ल की डांस करती हुई फोटो को देखकर दंग रह जाती हैं, क्योंकि वो हूबहू मैक्सीन जैसी थी। पर्ल शीशे में मैक्सीन को खड़े करते हुए कहती हैं, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है। मैक्सीन अपने चेहरे को देख रही होती हैं कि तभी पॉल उन्हें बड़े ही अजीब ढंग से छूती हैं। मैक्सीन कहती हैं, ये आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? उसी वक्त हॉवर्ड बाजार से वापस लौट आते हैं। पॉल कहते हैं, तुम पीछे के दरवाजे से जाओ, तुम्हारा और मेरा ये सीक्रेट किसी को मत बताना। मैक्सीन कहती है, कौन सा सीक्रेट? पॉल मैक्सीन को जाने का इशारा करते हैं। हॉवर्ड घर के अंदर घुसते हैं, और मैक्सीन पीछे के दरवाजे से वापस गेस्ट हाउस पहुंच जाती हैं। इसके बाद मैक्सीन अपने सेक्स सीन को जैक्सन के साथ फिल्माने लगती हैं। पर्ल छुपकर बाहर से मैक्सीन को देख रही होती हैं। ये दोनों एक दूसरे को देख लेती हैं, और कुछ पल के लिए पर्ल खुद को मैक्सीन की जगह देखने लगती हैं। वहाँ से वापस आकर पर्ल हॉवर्ड को सिड्यूस करने लगती हैं, लेकिन वो ये कहते हुए मना कर देते हैं कि उनका दिल अब बहुत कमज़ोर हो चुका है। उधर गेस्ट हाउस में सभी लोग रात को बैठे होते हैं, जब अचानक लॉरेन वेन से पूछती हैं कि आप मैक्सीन से प्यार करते हैं, आपको अजीब नहीं लगता जब मैक्सीन जैक्सन के साथ सेक्स सीन करती हैं? वेन कहते हैं, वो हमारा काम है, हम अपने इमोशंस और काम को अलग रखते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
मैक्सिम कहती हैं, अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है तो इन दकियानुसी बातों में मत पड़ो। इसके बाद जैक्सन और बॉबी गाना गाने लगते हैं और जैसे ही गाना खत्म होता है लोरेन कहते हैं, मुझे भी इस फिल्म में काम करना है। आरजे कहते हैं, नहीं तुम इस फिल्म में काम नहीं कर सकती। लोरेन कहते हैं, क्यों? आरजे कहते हैं, मैंने कह दिया ना तुम इस फिल्म में काम नहीं कर सकती। लोरेन कहती हैं, क्यों मुझे कौन रुकेगा? आरजे कहते हैं, ऐसा नहीं होता, हम फिल्म आधी शूट कर चुके हैं और ऐसे ही हम किसी को भी फिल्म में नहीं डाल सकते। लेकिन लोरेन नहीं मानती और मजबूरन आरजे को लोरेन और जैक्सन के सेक्स सीन को फिल्माना पड़ता है। सीन शूट करने के बाद सब लोग सो जाते हैं। आरजे बाथरूम में नहा रहे होते हैं और लोरेन के बारे में सोच सोच कर दुखी मन से रोने लगते हैं और कुछ देर बाद वो तैयार होकर गाड़ी लेकर फार्म हाउस से जाने लगते हैं कि तभी सामने पर्ल आ जाती हैं। आरजे गाड़ी से उतर कर पर्ल को पूछते हैं, आप ठीक तो हैं मैम? तभी पर्ल आरजे को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती हैं। आरजे पर्ल को दूर करते हुए कहते हैं, मैम आप ये क्या कर रही हैं? पर्ल कहते हैं, मुझे वैसे ही देखो ना जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। आरजे कहते हैं, मैम आप यहीं रुकिए, मैं आपके हस्बैंड को बुला कर लाता हूँ। तभी पर्ल अचानक एक चाकू सीधा आरजे के गले में मार देती हैं। चाकू लगने से आरजे जमीन पर गिर जाते हैं और पर्ल आरजे के ऊपर बैठ जाती हैं और चाकू से उनका सर काट देती हैं और पागलों की तरह खड़े होकर नाचने लगती हैं और कुछ देर बाद गाड़ी से चाबी निकाल लेती हैं। तभी उधर गेस्ट हाउस में लोरेन की नींद खुलती है और आरजे को बेड पर न देख कर वो उसे ढूंढने लगती हैं। गेस्ट हाउस में आरजे को न पाकर वो बाहर देखने लगती हैं कि तभी पीछे से वहाँ वेन भी आ जाते हैं। लोरेन वेन को बताती हैं कि आरजे कहीं चले गए हैं और कहती हैं, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं, कहीं उसने मुझसे ब्रेकअप तो नहीं कर लिया? वेन कहते हैं, गाड़ी तो यहीं पर ही है, तो मुझे लगता है आज की घटना से वो थोड़ा अपसेट होगा, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन लोरेन वेन को आरजे को ढूंढने के लिए कहती है। वेन आरजे को ढूंढते हुए अस्तबल की तरफ चले जाते हैं और लोरेन हार्वर्ड के घर के पास पहुंच जाती है। हार्वर्ड घर के बाहर निकलते हैं और उससे पूछते हैं कि इतनी रात को वो बाहर क्या कर रही है। लोरेन बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड आरजे मिल नहीं रहा है और हार्वर्ड भी लोरेन को कहते हैं कि मेरी पत्नी भी मुझे नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगी उसे ढूंढने में? उधर वेन अस्तबल में आरजे को आवाज़ देते हुए ढूंढने लगते हैं कि तभी उनके पाँव में एक कील गड़ जाती है। वो दर्द से कराह रहे होते हैं कि उन्हें दरवाजे की तीन छेद से बाहर कोई दिखता है। वो छेद में आंख लगाकर देखने लगते हैं कि तभी कोई नोकली चीज आकर उनके आंख के अंदर घुस जाती है। उधर हार्वर्ड घर के अंदर टॉर्च निकालकर लोरेन को कहते हैं कि एक और टॉर्च नीचे बेसमेंट में पड़ी हुई है, क्या तुम ले आओगी? लोरेन नीचे बेसमेंट में टॉर्च लेने चली जाती है। अस्तबल में बाहर से कोई वो नोकली चीज वेन के आंखों से बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद पर्ल अस्तबल में आती है, उसने ही एक पिचवॉक की मदद से वेन को मार दिया होता है और उसे अस्तबल के घास फूस से वो ढकने लगती है। बेसमेंट में लोरेन को टॉर्च मिल जाती है और वो जैसे ही बेसमेंट से ऊपर बाहर निकलने लगती है, हार्वर्ड ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया होता है। वो हार्वर्ड को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। लोरेन वापस बेसमेंट में आकर इधर उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसके तब होश उड़ जाते हैं जब वो एक आदमी की सड़ी हुई लाश को बेसमेंट में पाती है। वो पागलों की तरह चीख पड़ती है। उधर गेस्ट हाउस में जैक्सन पानी पीने के लिए उठते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जैक्सन बिना कपड़ों के ही दरवाज़ा खोलते हैं। बाहर हार्वर्ड खड़े होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनकी पत्नी बहुत देर से गायब है। हार्वर्ड जैक्सन को कहते हैं कि क्या वो झील तक उनके साथ चलेंगे उनकी पत्नी को ढूंढने के लिए। जैक्सन तैयार हो जाते हैं। झील के पास ये दोनों अलग अलग पर्ल को ढूंढने का फैसला करते हैं। जैक्सन को ढूंढते हुए झील में एक गाड़ी डूबी हुई दिखती है जिसे देखकर इन्हें थोड़ा अजीब लगता है। झील की दूसरी तरफ उन्हें जैक्सन की टॉर्च लाइट दिखती है और जैक्सन हार्वर्ड के पास पहुंचते हैं, लेकिन हार्वर्ड की टॉर्च पानी में गिरी हुई होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हार्वर्ड पानी में तो नहीं डूब गए, लेकिन उन्हें पानी में कोई नहीं मिलता। वो पानी से बाहर आते हैं कि तभी हार्वर्ड उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता। तुमसे पहले भी एक जो आदमी आया था वो भी तुम्हारी तरह ही था, वो भी बिना कपड़ों के घूमता रहता था और मेरी पत्नी को रिझाने की कोशिश करता रहता था, और तुम भी वही कर रहे हो। जैक्सन कहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। हार्वर्ड कहते हैं, लेकिन मैं सब समझ रहा हूँ, और ये कहकर वो जैक्सन को गोली मार देते हैं। उधर गेस्ट हाउस में मैक्सिन अपने बिस्तर में सोते सोते जैसे ही पलटती हैं वो चीख पड़ती हैं। पर्ल उनके साथ बिस्तर पर बिना कपड़ों के सो रही होती हैं। मैक्सिन की चीखने की आवाज़ सुन बॉबी उठ जाती है और वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है वो पर्ल को बिना कपड़ों के मैक्सिन के कमरे से भागता हुआ देखती है। मैक्सिन बॉबी को बताती है कि पर्ल उन्हें गंदे तरीके से बिस्तर में छू रही थी। उधर हार्वर्ड के घर पर लोरेन एक कुल्हाड़ी की मदद से बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ देती हैं और कुंडी को खोलने लगती हैं कि तभी उनके हाथ पर हार्वर्ड अपनी बंदूक से जोर से मारते हैं और उनकी उंगलियों को तोड़ देते हैं।
और उन्हें डरा कर वापस बेसमेंट में भेज देते हैं। उनकी आवाज बाकी लोग न सुन ले वो टीवी पर उस पादरी के प्रवचन वाले शो को जोर जोर से चला देते हैं। उधर गेस्ट हाउस से बॉबी बाहर निकलकर वेन और जैक्सन को ढूंढते हुए झील के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां वो पर्ल को झील के किनारे बिना कपड़ों के खड़ा पाते हैं। बॉबी फटाफट से उन्हें अपने शॉल से ढक देती है। बॉबी पर्ल को बताती है कि आपकी तरह ही मेरी भी नानी थी जो भूल कर ऐसे ही कहीं भी चली जाती थी। मैंने उनकी एक नर्स की तरह सेवा की थी। चलिए मैं आपकी भी मदद करती हूँ। तभी पर्ल बॉबी को एक जोर का थप्पड़ मारती है। बॉबी कहती है, आप मुझे क्यों मार रही हैं? पर्ल कहती है, तुम जैसे वेश्या से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। बॉबी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो पर्ल का कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है कि तभी पर्ल उनका रास्ता रोक लेती है। बॉबी उन्हें हटने के लिए कहते हैं, लेकिन पर्ल कहते हैं, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी सुंदरता पर। बॉबी कहती है, पागल औरत, हट जा मेरे रास्ते से। तभी पर्ल उन्हें झील में धक्का दे देती है। बॉबी पानी में गिर जाती है और उसी वक्त झील का मगरमच्छ बॉबी के सिर को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार डालता है। वहाँ हावर्ड भी आ जाते हैं, जिन्हें पर्ल कहते हैं, तुम जानते हो ना मुझे इस तरह की सफ़ेद बालों वाली औरतों से कितनी नफरत है, मैंने इसलिए इसे मार डाला। उधर गेस्ट हाउस में मैक्सिन को कोई भी नहीं मिलता। वो जैसे ही बाहर निकलने लगती हैं, उन्हें हावर्ड और पर्ल झील की तरफ से गेस्ट हाउस की तरफ आते हुए दिखते हैं। थोड़ी देर बाद हावर्ड और पर्ल गेस्ट हाउस में घुसकर मैक्सिन को ढूंढने लगते हैं। वो मैक्सिन के कमरे को भी चेक करते हैं, वो वहाँ भी नहीं होती। तभी पर्ल मैक्सिन के बिस्तर पर बैठ जाती है। हावर्ड कहते हैं, अभी मत बैठो, वो वेन नाम का आदमी भी अभी बचा हुआ है। पर्ल कहती है, मैंने उसे अस्तबल में मारकर छुपा दिया है। हावर्ड कहते हैं, ये तो सिर्फ तीन ही हुए। पर्ल फिर कहती है, नहीं, उस चश्मे वाले लड़के को भी मैंने मार दिया है। हावर्ड कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए उस छोटी लड़की को भी पकड़कर बेसमेंट में रखा हुआ है। पर्ल कहती है, मुझे उस छोटी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं जो भी मुझे चाहिए होता है वो मुझे कभी मिलता क्यों नहीं, मुझे तो वो मैक्सिन नाम की लड़की चाहिए थी। तभी हावर्ड पर्ल के पास आकर बिस्तर पर बैठते हैं और थोड़ी देर बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करने लगते हैं। इसी बेड के ठीक नीचे मैक्सिन छुपी होती है, जो धीरे धीरे सरक कर वहाँ से भाग निकलती है। बाहर निकलकर वो गाड़ी के पास पहुंचती हैं, लेकिन गाड़ी को इन लोगों ने पंचर कर दिया होता है। गाड़ी के ठीक आगे मैक्सिन को आरजे की सरकटी लाश भी दिखती है। तभी मैक्सिन को लॉरेन की चीखने की आवाज़ हावर्ड के घर से आती है। वो तुरंत गाड़ी के अंदर से गन निकाल लेती है और घर के अंदर घुसकर लॉरेन को चीखने के लिए मना करती है और उसे बेसमेंट से बाहर निकाल लेती है। मैक्सिन लॉरेन को कहती है कि जल्दी से हावर्ड के ट्रक की चाबी ढूंढो, लेकिन लॉरेन बहुत डर गई होती है और वो जोर जोर से मैक्सिन को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये कहकर वो घर से बाहर निकलकर भागने लगती है कि तभी गोली चलती है। बाहर हावर्ड ने लॉरेन के जबड़े को अपनी बंदूक से उड़ा दिया होता है। मैक्सिन तुरंत छुप जाती है। हावर्ड और पर्ल लॉरेन की बॉडी को घर के अंदर घसीटते हुए लेकर आ रहे होते हैं कि तभी लॉरेन सांस लेती है, जिससे हावर्ड डर जाते हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। पर्ल उन्हें संभालने लगती है कि तभी मैक्सिन अपनी गन इन पर तान देती है। मैक्सिन को देखकर पर्ल कहते हैं, हमारी मदद करो प्लीज़, हावर्ड को दिल का दौरा पड़ गया है। मैक्सिन अपनी गन पर्ल पर तान कर गोली चलाती है, लेकिन गन में गोली ही नहीं होती। तभी पर्ल हावर्ड की गन उठाकर मैक्सिन पर चला देती है। मैक्सिन झुककर गोली से बच जाती है और गन से झटका लगने के कारण पर्ल उछलकर घर से बाहर गिर जाती है, जिसके कारण उसकी गोली की हड्डी टूट जाती है और वो उठ नहीं पाती। मैक्सिन वहां से जाने लगती है। पर्ल उससे मदद मांगती है, लेकिन मैक्सिन उसे चुप रहने का इशारा कर वहां से जाने लगती है, जिससे पर्ल गुस्सा होकर कहती है, तुम भी एक वेश्या हो, मैं भी एक समय पर वही थी, एक दिन देखना तुम्हारी भी खूबसूरती खत्म हो जाएगी और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं बचेगा, मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी। तभी गाड़ी में बैठी हुई मैक्सिन गाड़ी रिवर्स करती है और पर्ल के सर को कुचल देती है और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। अगली सुबह घर पर उसी पादरी का प्रवचन चल रहा होता है, जो टीवी में मैक्सिन की बचपन की तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेरी बेटी है जो पापों के रास्ते पर चली गई है। उधर बाहर खड़े पुलिस में से एक ऑफिसर अपने सीनियर को कहता है, बॉस आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हुआ होगा? सीनियर ऑफिसर गुस्से में कहता है, मुझे क्या पता। तभी एक तीसरा ऑफिसर इस जगह पर मिले कैमरे के बारे में बताता है। ये ऑफिसर फिर से अपने सीनियर से पूछता है, इसमें क्या हो सकता है बॉस? सीनियर ऑफिसर कहता है, इस जगह पर हुए खून खराबे को देखकर तो यही लगता है कि इस कैमरे के अंदर कोई बकवास हॉरर पिक्चर ही होगी।